स्टूडेंट आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड शो किया हुआ है उस कंपनी का फॉर टू ईयर्स ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यह शेयर होल्डर फंड इस तरह से शो किया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर पहले इसका सब हेड शेयर कैपिटल शो किया हुआ है फिर रिजर्व एंड सरप्लस को प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल है फोर्टी फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड करंट ईयर में है फिफ्टी फोर लैख नाइंटी थाउजेंड रिजर्व सरप्लस टू लैख प्रीवियस ईयर में थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड करंट ईयर में ये तो हमें शो कर रखा है बच्चों बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट अब इन दोनों के हमें नोट्स टू अकाउंट भी दे रखे हैं शेयर कैपिटल के और रिजर्व सरप्लस के शेयर कैपिटल आप देखें तो ये पूरा टेन लैख ,00 इंक्रीज हो रहा है और रिजल्ट सरप्लस में आप देखें तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इंक्रीज हो रहा है ठीक है एक साल के अंदर ठीक है अब शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट किस तरह से देखा है वो समझ लीजिए शेयर कैपिटल की शुरुआत होती है बच्चों हमेशा ऑथराइज कैपिटल से तो ऑथराइज कैपिटल आपको दोनों ही साल प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर बता रखा है कि कंपनी के पास एट लाख इक्विटी शेयर है फेस वैल्यू है रुपीज टेन मनी वैल्यू हो जाएगी रुपीज एटी लैख फॉर बोथ द ईयर्स क्लियर अब आते हैं इशूड कैपिटल पे तो इशूड कैपिटल प्रीवियस ईयर में यानी जो 2023 में एंड हो रहा है थर्टी मार्च 2023 में उस ईयर में दे रखा है हमें फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स कितने बच्चों फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड फेस वैल्यू टेन मनी वैल्यू अपने आप समझ जाइएगा बच्चों फोर्टी फाइव ,00 लैख यही ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड दे रखा है तो नंबर वाइज कितने बढ़ रहे हैं बच्चों वन लैख ,00 ठीक है फेस वैल्यू टेन मगर करंट ईयर में एक बात और बता रखी है कि इन फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स में से फोर्टी थाउजेंड शेयर्स जो है ना वो इशू किए हैं वेंडर को फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स या ही कर लीजिए परचेज ऑफ बिजनेस ठीक है बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ और बता रखिए करंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की जिसको यहाँ पे इन्होंने कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से कर रखा है ठीक है बच्चों तो कॉल्ड अप कैपिटल देख लेते हैं Called अप कैपिटल में इन्होंने पहले मैं बात कर रहा हूं इंटिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की कॉल्ड एंड फुली पेड शो कर रखा है इसमें शो किया हुआ है फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स और फेस वैल्यू रुपीज टेन ठीक है बच्चों और यही चीज कॉल्ड एंड फुली पेडअप जो है वो करंट ईयर में भी कुछ इसी तरह से है बस वाइज फाइव लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड है वन लैख ज्यादा हो गए हैं जिस तरह से इशूड में वन लाख का फर्क है वैसे ही कॉल्ड एंड फुली पेडअप में दोनों साल में एक लाख शेयर का फर्क है यहां भी वन लाख शेयर्स का यहां भी वन लाख शेयर्स का इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू रुपीज टेन अब आते हैं कॉल्ड बट नॉट फुली पेडअप इसमें बच्चों चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे करंट ईयर दोनों में ही कुछ सेम ही इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से है फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू रुपीज़ टेन यानी अमाउंट वाइज मनी वाइज़ फिफ्टी थाउजेंड माइनस का रखा है कॉल फाइव थाउजेंड इंटू टू रुपीज़ टेन थाउजेंड नेट अमाउंट है फोर्टी थाउजेंड ठीक है बच्चों रुपीज़ वाइज हाँ यानी इन पे दस रुपये मांगे गए थे दो रुपये जो हैं कॉल्स इन हर है आखिरी कॉल के दो रुपये नहीं मिले होंगे बाकी रुपीज एट मिले हुए हैं क्लियर है, है बच्चों ये तो नोट्स टो अकाउंट दे रखा है आपको शेयर कैपिटल का फॉर बोथ द ईयर्स ऑथराइज फॉर बोथ द ईयर सेम ठीक है बच्चों इशूड में प्रीवियस ईयर में फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स करंट ईयर में फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स और करंट ईयर में यही बता रखा है कि फोर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स वेंडर्स को इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ बिजनेस या परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स और अप कैपिटल जो आप नॉर्मली हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं उसमें कॉल्ड एंड फुली पेड में प्रीवियस ईयर में फोर लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स करंट ईयर में फाइव लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स ठीक है और कॉल्ड बट नॉट फुली पेड सेम है फॉर बोथ द ईयर फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू रुपीज टेन लेस कॉल्स इन अर ईयर जो कि रुपीज़ टू पर शेयर के हिसाब से नहीं मिला हुआ है रिजर्व सरप्लस का नोट बहुत ही सिंपल सा देखा है दोनों साल का देख लीजिए क्या है वो रिजर्व सरप्लस में एक तो इन्होंने कैपिटल रिजर्व शो किया हुआ है दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीवियस ईयर 31 मार्च 23 को कैपिटल रिजर्व नील था करंट ईयर में 31 मार्च 24 को ये था रुपीज़ फोर्टी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीवियस ईयर में दो लाख था करंट ईयर में थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड नहीं बच्चों थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड है ठीक है बच्चों थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड यानी कैपिटल रिजर्व जो भी बढ़ा है वो इस साल बढ़ा है प्रीमियम जो है वो बड़ा आपका इस साल वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड बढ़ा है ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम इस साल एक लाख बी सी कंपनी को मिला है ठीक है यानी कि जो शेयर्स इशू हुए हैं इस साल एक लाख शेयर इशू हुए हैं वैसे तो जिसमें फोर्टी थाउजेंड जो है वेंडर को इशू हुए हैं और अंडरस्टूड है कि बाकी सिक्सटी थाउजेंड फॉर कैश इशू हुए होंगे ये एक लाख का गैप आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये गैप यहाँ भी देख सकते हैं यानी कि जो एक लाख शेयर इशू हुए हैं इस साल चाहे वेंडर को हुए हों चाहे फॉर कैश हुए हों वो फुली पेड अप हैं ये बात पक्की है क्योंकि कॉल बट नॉट फुली पेड तो दोनों साल सेम रहा है ठीक है प्रीवियस ईयर में ही फाइव थाउजेंड शेयर्स पे हर था इस साल भी फाइव थाउजेंड शेयर्स पे हर है यानी ये वही फाइव थाउजेंड शेयर्स हैं जो पिछले साल भी कॉल्ड एंड बट नॉट फुली पेड पे थे इनको अभी तक फॉरफिट नहीं करा गया है ठीक है बच्चों और जो इस साल नए शेयर इशू हुए हैं सिक्सट थाउजेंड शेयर्स फॉर कैश एंड फोटी थाउजेंड शेयर्स फॉर कंसड्रेशन अदर दैन कैश जो वेंडर को किए हैं ये पक्का इस बार फुली पेड भी हैं ठीक है बच्चों इशोर्ड सब्सक्राइब एंड फुली पेड हैं ये जो एक्स्ट्रा वन लाख शेयर इस साल आए हैं और इनमें से या तो पूरे एक लाख शेयर्स ही प्रीमियम पे इशू हुए हैं या फिर केवल सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स ही प्रीमियम पे इशू हुए हैं ठीक है या सिर्फ फोर्टी भी हो सकता है देखते दिक, हैं इन्फॉर्मेशन आगे क्या दे रखी है तो आगे की इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देगी कि कौन से शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं वेंडर वाले या कैश वाले आगे बच्चों आपको बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड कंपनी ने टेक ओवर किया है बिजनेस बिजनेस टेक ओवर किया है क्यू लिमिटेड का कंपनी का पूरा नाम जो भी हो आप क्यू लिमिटेड से ध्यान रखिएगा इनकी एसेट्स ली हैं रुपीज ट्वेल्व लैख ,00 की और लाइबिलिटीज ली हैं रुपीज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड की इतने की तो एसेट्स हैं इतनी की लाइबिलिटीज हैं यानी नेट एसेट देखा जाए तो वो निकल कर आएगा फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड जो परचेज कंसिड्रेशन है वो कुछ शेयर्स के जरिए में इशू कर, पे करी गई है और जो भी शेयर्स इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स वो पार पे इशू हुए हैं और मैं पता है बच्चों कितने शेयर इशू हुए हैं वेंडर को जो मैं इशूड कैपिटल के नोट्स अकाउंट में दे रखा था ठीक है और ये पार पे इशू हुआ है यानी इनकी जो मनी वैल्यू है वो रुपीज़ फोर लैख ही होगी यानी ये कंफर्म हो गया इस बात से कि जो सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स कैश में इशू हुए हैं वही प्रीमियम पे इशू हुए हैं जो एक लाख बीस हज़ार का एक्स्ट्रा प्रीमियम आया है वो उन्हीं शेयर्स पे आया होगा सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स पे यानी रुपीज़ टू पर शेयर का प्रीमियम जो है रखा गया होगा यानी वो शेयर्स रुपीज़ टू पर शेयर के प्रीमियम पे इशू किए गए होंगे ठीक है बच्चों यहां पर यह भी कहा है कि जो ये रिजल्ट था इसमें कंपनी को रुपीज फोर्टी थाउजेंड का कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है ये वही कैपिटल रिजर्व है बच्चों जो पिछले साल नील था इस साल फोर्टी थाउजेंड हो गया तो ये तो समझ में आ गया बच्चों कैपिटल रिजर्व बिजनेस टेक ओवर करने पर ही हुआ है यानी कि ये बिजनेस की नेट एसेट तो चार लाख सत्तर हजार है परचेज कंसरेशन पक्का चार लाख तीस हजार रही होगी अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि परचेज कंसरे क्या थी इस बिजनेस को टेक ओवर करने की तो फोर लैख थर्टी थाउजेंड रहा होगा फोर लैख शेयर्स के जरिए दिया गया होगा और थर्टी थाउजेंड कैश के जरिए दिया गया होगा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमने वेंडर को कुछ कैश भी दिया है तो कितना कैश दिया होगा रुपीज़ थर्टी थाउजेंड क्योंकि फोर्टी थाउजेंड शेयर्स जो कि फेस वैल्यू रुपीज़ टेन है वो तो पार पेश हुए हैं फोर लैख थर्टी की परचेज़ कंसडेशन है चार लाख शेयर्स के ज़रिए दिया तीस हज़ार कैश के ज़रिए दिया हो गया बच्चों कहानी अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो उन्होंने हमसे पूछे हैं इन्होंने हमसे टोटल छः क्वेश्चन पूछे हैं एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे इनके उस क्वेश्चन के आंसर पे डाउट है और आपको भी होगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इनका टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर मैं उनकी टोटल फेस वैल्यू क्या होगी जो इस साल इशू हुए हैं फॉर कैश याद रखना बच्चो जो इशू हुए हैं इस साल वो हैं वन लाख शेयर्स मैंने आपको बताया था आप चाहे इशूड कैपिटल का डिफरेंस देख लीजिए चाहे एक एंड फुली पेड का डिफरेंस देख लीजिए दोनों तो में वन लैख का गैप आ रहा है मनी वाइज इंटू टेन करेंगे तो रुपीज़ टेन लैख का गैप आ रहा है आप देख भी सकते हैं आपको दोनों साल जो शेयर कैपिटल शो कर रखी है उनमें गैप रुपीज़ टेन लैख का ही है है ना बच्चों नंबर वाइज वो एक लाख शेयर्स हैं लेकिन हम जानते हैं कि इन एक लाख शेयर्स में से फोर्टी थाउजेंड शेयर्स तो वेंडर को इशू किया है फॉर अदर कंसरे कैश तो अंडरस्टूड है बच्चों कि सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स ही फॉर कैश इशू हुए होंगे और इनकी जो मनी वैल्यू है रुपीज़ टेन है तो टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी रुपीज़ सिक्स लाख जो कि इन्होंने क्वेश्चन वन के ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है बट इन्होंने जो अपनी मार्किंग सीम में आंसर दे रखा है वो रुपीज़ टेन लाख है जो मेरे अकॉर्डिंग रुपीज़ सिक्स लाख होना चाहिए और अगर मैं गलत हूँ बच्चों तो मुझे आप भी करेक्ट करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करा सकते हैं बच्चों ठीक है बच्चों तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन जिसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये मैंने आपको बता दिया जो शेयर्स इशू किए हैं इस साल उनकी टोटल फेस वैल्यू ज़रूर रुपीज़ टेन लैख है लेकिन जो फॉर कैश इशू हुए हैं उनकी फेस वैल्यू रुपीज़ सिक्स लैख है और जो कंसरेशन अदर देन कैश इशू हुए हैं उनकी फेस वैल्यू रुपीज़ फोर लैख है ठीक है बच्चों तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अब बात करते हैं बच्चों इनसे जो सेकेंड uh, क्वेश्चन की तो उन्होंने कहा है जो शेयर इशू हुए हैं फॉर कैश वो किस प्राइस पे इशू हुए हैं क्या वो रुपीज टेन के इशू हुए हैं क्या वो रुपीज़ एट के इशू हुए हैं क्या वो रुपीज ट्वेल्व के इशू हुए हैं क्या वो रुपीज इलेवन पॉइंट टू जीरो के इशू हुए हैं तो बच्चों जो शेयर्स फोर्टी थाउजेंड शेयर्स वेंडर को इशू हुए हैं जिनसे का बिजनेस टेक ओवर किया है वो तो पार पे इशू हुए थे है ना यानी वो तो रुपीज टेन के ही इशू हुए होंगे कन्फर्म है लेकिन जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए गए हैं फॉर कैश वो पार पे पक्का नहीं इशू हुए होंगे क्योंकि तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का प्रीमियम कंपनी का बढ़ रहा है टू लैख से थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड हो गया है तो रुपीज़ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड जो प्रीमियम एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो इन सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स का होगा यानी रुपीज़ टू के प्रीमियम पे ये सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स इशू हुए हैं इन शेयर्स की फ़ेस वैल्यू है रुपीज़ टेन प्रीमियम है इन पे रुपीज़ टू तो इनका इश्यू प्राइस कितना होना चाहिए बच्चों रुपीज ट्वेल्व तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर टू का क्लियर बच्चों नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है कि अगर कंपनी ने ये सारे शेयर्स जिन पे एरियर्स था आप जानते हैं वो शेयर्स कितने थे बच्चों फाइव थाउजेंड पे कंपनी ने पूरे रुपीज टेन कॉल कर लिए थे मगर जिनपे रुपीज टू पर शेयर का एरियर था वो कह रहे हैं अगर कंपनी एक मिनट बच्चों इसको ढंग से देख लीजिए ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी इन फाइव थाउजेंड शेयर्स को फॉरफीट कर लेती तो कितना पैसा शेयर फॉरफीट अकाउंट में अपीयर करता तो आइए बच्चों मैं इसकी एंट्री बना तो हूं फिर आप खुद देख लीजिए कितना पैसा अपीयर करता है ना बच्चों तो वो फाइव थाउजेंड शेयर है जब इन्हें फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन अरियर क्राइट हो जाएगा और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा है ना बच्चों फाइव थाउजेंड इन टू टेन फिफ्टी थाउजेंड कॉल्स इन अरेयर में टेन थाउजेंड और शेयर फॉरफीचर में या शेयर फॉरफिटेड में फोर्टी थाउजेंड ठीक है बच्चों तो रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आता हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि शेयर प्रॉफिट अकाउंट में कितना अमाउंट अपीयर करेगा तो इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे ए दे रखा है रुपीज फोर्टी थाउजेंड बी में फिफ्टी सी में टेन डी में सिक्सटी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर होगी बात बच्चों नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आफ्टर द फॉरफ्यूचर ऑफ शेयर्स बच्चों शेयर के फॉरफिट हो जाने से कंपनी की जो अफेक्ट पड़ेगा वो उसकी सब्सक्राइब कैपिटल पर पड़ता है इशूड कैपिटल पर फर्क नहीं पड़ता तो इकतीस मार्च चौबीस को जो कंपनी के इश्योर्ड शेयर्स थे वो थे फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड आप देख सकते हैं इतने ही थे आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में भी झाँप कर देख सकते हैं तो नंबर ऑफ इश्यूर्ड शेयर्स अब भी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ही रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर बच्चों अब कहा गया है बच्चों कि इनमें से 2000 थाउजेंड शेयर्स को ही जो है रीइू किया गया एट रुपीज़ फोर्टीन पर शेयर ठीक है बच्चों तो ये 2000 थाउजेंड शेयर्स आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर केवल 2000 थाउजेंड शेयर्स को ही री इशू किया गया एट रुपीज फोर्टीन पर शेयर अब आपको बताना है कि कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा आफ्टर दिस रीइू ऑफ शेयर्स आफ्टर द री इशू ऑफ दी शेयर्स और कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा तो मैं आपको बच्चों ये 2000 शेयर्स को रीइू करने की एंट्री बनाकर दिखा देता हूँ और वो गेन निकाल के भी दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा होगा और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा होगा ठीक है बच्चों शेयर कैपिटल जो है शेयर्स के रीशू करने पे क्रेडिट हो जाएगी और बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू कर रही है साफ नज़र आ रहा है टू थाउजेंड शेयर्स ही कर रही है लेकिन प्रीमियम पे कर रही है तो टू थाउजेंड इंटू टेन तो शेयर कैपिटल में आएगा टू थाउजेंड इंटू फोर्टीन बैंक में आएगा और टू थाउजेंड इंटू फोर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आएगा बैंक में आएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड शेयर कैपिटल में आएगा ट्वेंटी थाउजेंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आएगा एट थाउजेंड अब सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों पहले था थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड करंट ईयर के एंड में एट थाउजेंड और इंक्रीज हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो गया थ्री लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड तो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात तो सुन में आ गई रही बात कैपिटल रिजर्व की तो कैपिटल रिजर्व फोर्टी थाउजेंड था जो बिजनेस टेक ओवर करने की वजह से था अब और कैपिटल रिजर्व कितना आया तो आप ये जानिए कि इन टू थाउजेंड शेयर्स के रीशू पे कंपनी को कितना गेन हुआ है ये फाइव थाउजेंड जो शेयर्स था। है उनका फॉरफिड अमाउंट फोर्टी थाउजेंड था टू थाउजेंड शेयर्स रीशू हुए हैं ठीक है बच्चों तो फाइव थाउजेंड यह गया एट और टू थाउजेंड इन टू एट हो गया सिक्सटीन थाउजेंड यानी इन टू थाउजेंड शेयर्स का फॉरफिड अमाउंट था सिक्सटीन थाउजेंड अब इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा बिकॉज ये शेयर्स रीइशू हुए हैं प्रीमियम पे तो ऐसे में इन ये जो सिक्सटीन थाउजेंड है रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड इन टू थाउजेंड शेयर्स का फॉरवर्ड अमाउंट ये कैपिटल गेन बन गया जिसको फॉरफिट शेयर फॉर फॉरफीचर से कैपिटल इज में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा यही एंट्री बनाते हैं ना बच्चों हम शेयर्स को जब हम रीइशू करते हैं और रीइशू पे जो भी गेन होता है वो कैपिटल इजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कैपिटल रिजर्व पहले था फोर्टी थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड भी बढ़ गया फॉरफिफ ईयर के रीइश्यू होने पे जो गेन हुआ था तो ये बढ़कर हो गया बच्चों फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कैपिटल रिजर्व तो यानी कि आफ्टर दिस इश्यू कैपिटल रिजर्व होगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा रुपीज थ्री लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम आया वो वो थ्री ट्वेंटी में जुड़ गया थ्री ट्वेंटी एट हो गया और जो इन टू थाउजेंड शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट था रुपीज़ सिक्सटी थाउजेंड जो मैंने ऐसे निकाला ठीक है फाइव थाउजेंड का फॉरफि अमाउंट फोर्टी थाउजेंड था टू थाउजेंड का सिक्सटी थाउजेंड आ गया इनके री पे कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा तो फॉरफिटर अकाउंट डेबिट ही नहीं करना पड़ा तो इनके री पे कंपनी को गेन हो गया सिक्सटीन थाउजेंड का कैपिटलाइजर फोर्टी थाउजेंड पहले था सिक्सटीन और जुड़ गया तो हो गया बढ़कर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इस तरह से हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर भी मिल गया और ये देखा है ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कम टू द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन्होंने कहा है कि कंपनी की कॉल्ड अप एंड कॉल्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी आफ्टर द री ऑफ टू थाउजेंड शेयर्स तो बच्चों ये जो टू थाउजेंड शेयर्स रीशू हुए ना इनको फुली अप मान के ही रीइू करा गया है ठीक है तो कॉल्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल पहले थी फाइव लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड बिफोर दिस री नंबर वाइज टू थाउजेंड और एड कर दीजिए फाइव लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड तो नंबर वाइज हो गया इन टू रुपीज टेन कर दीजिए ये आ गया फिफ्टी फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड कॉल्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल फिफ्टी फोर लैक्स थाउजेंड ठीक है बच्चों और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया सुन में बच्चों एक एक चीज उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से उनमें आया होगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन वेरी डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं पूछा गया है सी में बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जो भी डाउट रहे होंगे इसमें आपको खुद प्रैक्टिस करने के दौरान उनको दूर कर भी दिया होगा और अगर मैंने दूर कर दिया है बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो है जो डाउट्स हैं वो दूर हो सके उनके भी और साथ के साथ मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने का मौका मिले और मेरा चैनल भी आगे बढ़े ठीक है बच्चों